हाँ दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से नई उड़ान योजना की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2013 से देश के अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी छात्रों की शिक्षा में आर्थिक मदद के लिए यह नई उड़ान योजना का संचालन किया गया है। और इस योजना के तहत जो है अल्पसंख्यक मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति तथा निशुल्क कोचिंग के माध्यम से सरकारी सहायता प्रदान की जाती है, ताकि जो अल्पसंख्यक गरीब परिवार के मेधावी छात्र हैं वो पैसे की कमी की वजह से, आर्थिक मजबूरी होने के कारण जो है देश के जो उच्च पदों की नौकरी होती है उसके लिए जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज और एग्जाम्स के लिए जो है वो कोचिंग की फीस नहीं भरवाने के कारण तैयारी नहीं कर पाते हैं, और जिसके कारण जो है वो उच्च पदों पर नौकरी प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे गरीबी परिवारों के मेधावी छात्रों के लिए जो है निःशुल्क कोचिंग एवं छात्रवृत्ति की योजना का प्रावधान किया गया है नई उड़ान योजना के तहत। और इस योजना के तहत जो है 2017 से सिविल सर्विसेज परीक्षा की जो प्रथम चरण की परीक्षा होगी उसको निकालने के बाद दूसरे चरण की परीक्षा के लिए जो तैयारी करने के लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था की गई है इस योजना नई उड़ान योजना के तहत। तो योजना के तहत जो अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र हैं जिन्होंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन तथा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आदि के प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रथम चरण की परीक्षा को पास कर लिया है, और उन छात्राओं की प्रतियोगी परीक्षा के दूसरे चरण की तैयारी में आर्थिक मदद के लिए जो है निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है योजना के तहत वर्ष 2017 से। तो इस योजना को शुरू करने का जो है, इस योजना के तहत निःशुल्क कोचिंग का प्रावधान किए जाने का मकसद केंद्र सरकार का अल्पसंख्यक मेधावी छात्रों को जो है देश के मुख्य धारा से जोड़ना और उनकी जो है सेवाओं का देश की उन्नति प्रगति में जो है सहयोग प्रदान करना, और अल्पसंख्यक वर्ग समुदाय के जो है गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारना है। तो इस योजना के तहत जो है अभ्यर्थी, जो अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन और स्टाफ सर्विस पब्लिक कमीशन अथवा इसके समतुल्य सिविल सर्विसेज की अन्य परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षा को पास कर लिया है, तो उसके लिए उन्हें दूसरे चरण की कोचिंग परीक्षा की तैयारी करने के लिए कोचिंग, निःशुल्क कोचिंग दिए जाने का प्रावधान है नई उड़ान योजना के तहत। तो इसके लिए फ्री कोचिंग की का लाभ प्राप्त करने के लिए परीक्षार्थियों को, जो छात्र हैं मेधावी छात्र हैं जिन्होंने प्रथम चरण की परीक्षा पास कर ली है, उसके साक्ष्य के तौर पर, प्रमाण के तौर पर उन्हें रोल नंबर स्लिप आवेदन फॉर्म के साथ दस्तावेज के रूप में जमा करना होगा, और आईडी कार्ड और रिजल्ट, जो प्रथम चरण का रिजल्ट होगा उसका प्रमाण पत्र अंक तालिका यानी कि देना होगा, उन्हें प्रमाण पत्र के रूप में जमा करना होगा फ्री कोचिंग प्राप्त करने के लिए। और इस योजना का लाभ उठाने के लिए अभ्यर्थियों को अपने परिवार का जो है आय प्रमाण पत्र और लगाना होगा दस्तावेज के रूप में, और जो है अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र भी लगाना अनिवार्य होगा, ताकि ये प्रमाणित हो सके कि वह अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र हैं और छात्र छात्राएं हैं। तो इसके लिए उन्हें ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन करना होगा, और ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करते समय ये सारे दस्तावेज लगाने होंगे, आय प्रमाण पत्र और अपना रोल नंबर स्लिप की फोटोकॉपी और आईडी कार्ड, और जो है रिजल्ट में जो उनका होगा अंक प्रमाण पत्र उसकी फोटोकॉपी और सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो भी, शपथ पत्र भी उन्हें देना होगा के भी दस्तावेज के रूप में ऑनलाइन अपलोड करना होगा। तो दोस्तों, इसके आवेदन करने के लिए जो है आप
ऑनलाइन आवेदन ही केवल स्वीकार किए जाएंगे। तो इसके लिए आप गूगल वेब ब्राउज़र पर जाएंगे, गूगल वेब ब्राउज़र के सर्च बार में नई उड़ान .government.in लिखकर सर्च पर क्लिक करेंगे तो नई उड़ान मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ये इस विकल्प पे आपको क्लिक करना होगा। तो इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये नई उड़ान मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वेब पोर्टल खुल जाएगा और इस वेब पोर्टल पर फॉर्म एंड गाइडलाइंस तो इस विकल्प पे आपको क्लिक करना होगा। इस विकल्प पे क्लिक करने के बाद ये पेज खुलेगा फॉर्म एंड गाइडलाइंस का। तो इसके तहत दोस्तों आपको जो है आपको फॉर्म एंड गाइडलाइंस के लिए जो आप क्लिक करेंगे तो उसमें फॉर्म कैसे भरना है और एप्लीकेशन ऑनलाइन कैसे, इसमें कौन कौन से दस्तावेज लगाने हैं, इस सब की जानकारी आपको जो है वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो इसके लिए आपको जो है आवेदन फॉर्म भरने के लिए पहले आपको नई उड़ान वेब पोर्टल पर जो है रजिस्टर करना होगा खुद को, और रजिस्टर यहाँ से आप कर सकेंगे। यूज़र नेम और पासवर्ड कैप्चा डाल करके जो है आपको, अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप पहली बार इस योजना का लाभ उठा रहे हैं तो यहाँ पर आपको रजिस्टर विकल्प पर क्लिक करना होगा। रजिस्टर विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म भरना होगा और फॉर्म में ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर आपको जो आप रजिस्टर करेंगे उसी ईमेल आईडी पर आपको आवेदन फॉर्म से संबंधित जानकारी दी जाएगी। पासवर्ड, यूज़र नेम पासवर्ड आएगा और यूज़र नेम पासवर्ड आने के बाद जो है आपको ये गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो आप वहाँ से रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपको यूज़र नेम और पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पर आएगी और ईमेल आईडी पर आप जो है पासवर्ड और यूज़र नेम से फिर लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद जो है दोस्तों आपके ईमेल आईडी पर सारे डिटेल्स जो है आपके आवेदन फॉर्म से संबंधित अल्पसंख्यक मंत्रालय से आपको प्राप्त होता रहेगा। तो इसके लिए दोस्तों ये फॉर्म एंड गाइडलाइंस इस विकल्प पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉर्म एंड गाइडलाइंस विकल्प पर, तो फॉर्म एंड गाइडलाइंस विकल्प पर ये आएगा फॉर्म एंड गाइडलाइंस और ये है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सर्टिफिकेट। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का प्रारूप क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा वो आप यहाँ से देख सकेंगे। तो इसे आप डाउनलोड करके इसी फॉर्मेट में फिलअप करके ऑनलाइन आपको जो है अपलोड करना होगा फॉर्म, शपथ पत्र ये फॉर्म के साथ, आवेदन फॉर्म के साथ जो है आपको अपलोड करना होगा। तो ये दिया हुआ है डिक्लेरेशन फॉर्म, इसमें सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और नेम ऑफ कैंडिडेट यहाँ लिखना, आपको सेल्फ अटेस्ट करना होगा ये शपथ पत्र जो है। और उसके बाद जो है आप यहाँ से इंस्ट्रक्शन प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे आप करेंगे। तो दोस्तों आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो है वर्ड फाइल ये आपकी पीडीएफ ये डाउनलोड हो जाएगी। ये वर्ड फाइल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, ये फाइल का ये है, इसमें इंस्ट्रक्शन सारे दिए हुए हैं। ये पेज आपका खुल जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा आपके लैपटॉप में। तो आप इसमें से सारी जानकारी पढ़ सकते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको करना है और फाइनेंशियल बेनिफिट कितनी मिलेगी, ये सारी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है दोस्तों अगर आप फॉर्म एंड गाइडलाइंस इस पर करेंगे क्लिक तो इसमें भी दिया हुआ है कि आपको जो है कितने सीट हैं किस माइनॉरिटी कैटेगरी के अंतर्गत। तो माइनॉरिटी कैटेगरी के अंतर्गत जो है मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन, पारसी ये अल्पसंख्यक कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और इन इन कैटेगरी के अंतर्गत जो है सीट रिजर्व्ड हैं।
फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे जो है आवेदन स्वीकार किया जाता है और उसके आधार पर जो है जितने आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं उसकी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय द्वारा स्क्रूटनी की जाती है और उसके बाद जो है जितने सीट हैं अवेलेबल जिस वर्ग में उतने उस हिसाब से ही एप्लीकेशन का जो है चयन किया जाता है। तो दोस्तों यूपीएससी जो एग्ज़ाम देने प्रथम चरण निकाली है उसके लिए मुस्लिम वर्ग के इतनी सीटें हैं 146 और क्रिश्चियंस की इतनी, तो इसी के आधार पर जो है जितनी जितनी सीटें हैं उस हिसाब से एप्लीकेशन जो है सेलेक्ट किया जाएगा। और एप्लीकेशन सेलेक्ट करने के बाद जो है यदि सीट इनमें से कुछ खाली रहते हैं तो वो जो किसी वर्ग में जैसे क्रिश्चियन में 24 है तो 23 फिलअप हुए, 1 सीट खाली रह गई तो एप्लीकेशन के चयन के लिए तो दूसरे वर्ग के छात्रों को इसमें दिया जा सकता है, दूसरे छात्रों को ये सीट जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको जो है फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे है तो इसके लिए आपको जो ईमेल आईडी अपना एक्टिव रखना है और ईमेल आईडी से ही ईमेल से जो है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को जो है आपको अपने प्रथम चरण के एग्जामिनेशन पास कर लेने की सूचना वहां देना है और उसके बाद जो है आपको पासवर्ड और यूज़र नेम रजिस्टर करने का पासवर्ड और यूज़र नेम आएगा, उससे आप लॉगिन करेंगे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय द्वारा आपको प्राप्त होगा आपके ईमेल आईडी पर और उससे आप जो है करने के बाद लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म भर सकेंगे और जितने दस्तावेज हैं वो आपको ऑनलाइन अपलोड करना होगा। दोस्तों इस योजना के लिए जो है ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे और ये लिखा है पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट में भी गिवन इन वन इंस्टॉलमेंट एक ही साथ दिया जाएगा और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत जो है आपके बैंक अकाउंट नंबर जो आप आवेदन फॉर्म में दर्ज करेंगे उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय द्वारा। और ये लिखा है हाउएवर द कैंडिडेट हैव टू इन्फॉर्म द मिनिस्ट्री अबाउट द आउटकम, अपने रिजल्ट जो आप मेंस निकाल लिए हैं ईमेल के थ्रू जो है आपको कल्याण मंत्रालय को बताना है कि आपने पास कर लिया है और कौन सा पोजीशन है, ये आपको जो है विवरण ईमेल के जरिए भेजना होगा। उसके बाद जो है आप पासवर्ड और ईमेल वो यूज़र नेम आपको प्राप्त होगा और उससे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जो है फॉर्म भर सकेंगे। दोस्तों यूपीएससी एग्ज़ाम निकालने के लिए और इसके लिए आप जो है एक अगर प्रथम चरण निकाल लिए हैं तो छात्रवृत्ति के रूप में 1 लाख रुपीज़ का जो है आपको छात्रवृत्ति के रूप में प्राप्त होगा और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का यदि एग्ज़ाम निकाला है आपने तो उसके लिए आपको 50,000 रुपीज़ प्राप्त होगा। दोस्तों इन सब का विवरण जो है आप यहाँ फॉर्म एंड गाइडलाइंस इसमें आप जो है देखकर प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए और इस वीडियो में को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि योजना की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और हमारे YouTube चैनल सीखे.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि योजना की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।